पिछली हमारी क्लास में हम डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में जो एलिमेंट्री आइडिया है उसको डिस्कस कर चुके हैं, और आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करने वाले हैं कि जो डीएनए रेप्लिकेशन के स्टेप्स हमने पढ़े हैं कि कौन कौन से स्टेप्स डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया के दौरान संपादित होते हैं, उन्हीं का विस्तृत रूप से चर्चा करने जा रहे हैं। ये हम सी सारी चीज़ें बात कर चुके हैं कि सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन ज़्यादातर बाई डायरेक्शनल होता है, रेप्लिकेशन फॉक का निर्माण होता है, और जो एंजाइम्स हैं वो बहुत सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं पूरी प्रक्रिया को संपादित करने के लिए। हेलिकेज, प्राइमेज, टोपोआइसोमरेज, पॉलीमरेजेज, गायरेज, लीगेज, ये सारे के सारे जो एंजाइम्स हैं, आरएनए प्राइमर है, टीलोमरेज है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं, वो सब इस प्रक्रिया के दौरान कैटलाइज करते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन के जो स्टेप्स हैं वो फर्स्ट हमने बात करी थी कि सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को आइडेंटिफाई करना। ये पूरा प्रोसेस है, होल स्टेप प्रोसेस जिसमें कि डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, ओरिजिन स्टार्ट हो रहा है, फिर जो एंजाइम्स की एक पूरी चेन है वो जुड़ती है और नया नेसेंट डीएनए या नया डीएनए बनता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वो क्या होता है। प्रोकैरियोट्स की अगर बात करें तो जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है इसको हम ORI से डिनोट करते हैं। ये एक सीक्वेंस स्पेसिफिक डबल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन होता है जिसमें कि बहुत सारे सीरीज ऑफ डायरेक्ट रिपीट डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं। ई कोलाई की अगर बात करें तो ओरिजिन ऑफ जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसमें ओरिजिन पे एक प्रोटीन डीएनए ए बाइंड करती है और एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, संकुल का निर्माण होता है जिसमें कि 150 से 250 बेस पेयर्स होते हैं डीएनए के, और डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स पाई जाती हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये लोकल डीनेचुरेशन या अनवाइंडिंग का काम करता है, और जो एडनीन थायमिन रिच रीजन ऑफ डीएनए है वहाँ के पास ये मौजूद रहता है। यूकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो फंक्शनली सिमिलर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस या ARS या रेप्लिकेटर्स यीस्ट सेल में डिस्कवर किए गए हैं। ये जो ARS होते हैं, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंसेस या रेप्लिकेटर्स, उसमें 11 बेस पेयर सीक्वेंस होता है ओरिजिन रेप्लिकेटिंग एलिमेंट। जो ORE है, ओरिजिन रेप्लिकेशन एलिमेंट, उस पर सेट ऑफ प्रोटीन्स बाइंड करते हैं डीएनए ए प्रोटीन जो ए ई कोलाई का होता है उसी के अनुरूप, और इसको कलेक्टिवली ओरिजिन रिकग्नाइजेशन कॉम्प्लेक्स या ORC कहा जाता है। जो ORE है यानी रेप्लिकेशन ओरिजिन रेप्लिकेशन एलिमेंट है वो करीब 80 बेस पेयर्स के नज़दीक होता है, वही एडनिन थायमिन रिच सीक्वेंस जो होता है वहाँ पर, और इसको आसानी से अनवाइंड किया जा सकता है। ये जो होता है इसको कहते हैं डीएनए अनवाइंडिंग एलिमेंट या DUE। सबसे पहली जो प्रक्रिया है वो संपादित हो गई कि ओरिजिन जो होता है रेप्लिकेशन का वो पहचान में आ गया। उसके बाद जो होता है वो होता है अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, या ये डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसको खोलने की प्रक्रिया। तो जो इंटरेक्शन होता है प्रोटीन्स का ओरिजिन जहाँ पे स्टार्ट होता है, जहाँ पे ओरिजिन पॉइंट है वहाँ पर, और रेप्लिकेशन वहीं से प्रारंभ हो के डीएनए के जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के छोटे छोटे रीजन्स प्रोवाइड करता है वहाँ पर से डीएनए का पूरी जो रेप्लिकेशन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है और नया डीएनए बनना प्रारंभ हो जाता है। डीएनए हेलिकेज जो एंजाइम है, हम पहले भी इसकी बात कर चुके हैं कि ये जो होता है वो डीएनए अनवाइंडिंग प्रोसेस को गति प्रदान करता है, और ये जो एंजाइम है वो डीएनए को अनवाइंड करने का काम करता है।
सेकेंड जो एंजाइम बात करी थी हमने वो थी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। तो जैसे ही डीएनए अनवाइंड हो जाता है उसको स्टेबलाइज करने का काम जो होता है वो करता है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। एसएसबी जो होती है उसके साथ हेलिकेज क्या करता है, जो अनवाइंडिंग की प्रक्रिया है उसको करता रहता है और एक्टिव रेप्लिकेशन प्रारंभ हो जाता है। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है कि कैसे डीएनए अनवाइंड हो रहा है। जो हेलिकेज एंजाइम जहाँ पर एरो से दिखाया है वो हेलिकेज एंजाइम क्या कर रहा है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को खोलने का काम कर रहा है और यहीं रेप्लिकेशन फोर का निर्माण होता है। जो प्रोसेस होता है डीएनए के रेप्लिकेशन का उसमें सबसे पहले जो होता है वो है रेप्लिकेशन फोर्क का निर्माण होना। जब भी डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया होगी तो हम अब तक ये बात की जानकारी कर चुके हैं कि डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड हैं वो जब तक खुलेंगे नहीं, आपस में उनका जो बॉन्डिंग है वो नहीं टूटेगी, तब तक हमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए टेम्पलेट के रूप में प्राप्त नहीं होगा। तो यही जो प्रक्रिया है उसके लिए रेप्लिकेशन फोर्क का निर्माण होता है। तो जब भी डीएनए रेप्लिकेट होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो होती हैं वो अनजिप्ड होती हैं, खुल जाती हैं दो सिंगल स्ट्रैंड्स के रूप में। डीएनए में हम सब जानते हैं कि दो फोर बेस पेयर्स होते हैं, एडेनिन होता है, थायमिन होता है, साइटोसिन होता है और गुआनिन होता है, जो कि ये दोनों स्ट्रैंड्स के अंदर मौजूद रहते हैं और पेयरिंग करते हैं। ये हम स्ट्रक्चर जब डीएनए का पढ़ा था तब हम बात कर चुके हैं। तो जब भी डीएनए को अनवाइंड करना होता है तो इन बेस पेयर्स के बीच में जो इंटरेक्शन है, बॉन्डिंग है, उसको ब्रेक करना आवश्यक होता है। ये जो ब्रेकिंग है वो एंजाइम डीएनए हेलिकेज के द्वारा संपादित होती है। डीएनए हेलिकेज दोनों सिंगल स्ट्रैंड्स हैं जो कि जुड़ के डबल हेलिकल स्ट्रैंड्स बनाती है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बनाती है, उनको सेपरेट करता है और एक वाई शेप स्ट्रक्चर का निर्माण होता है जिसको कि रेप्लिकेशन फोर्क कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कि हेलिकेज एंजाइम यहाँ पे जुड़ा हुआ है इसमें, और ये जो हेलिकेज एंजाइम है उसका काम क्या है, दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स को आपस में अलग करना। सेकेंड एंजाइम जो होता है एसएसबी या सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, वो इस सिंगल स्ट्रैंड को इसी रूप में बनाए रखता है, यानी इन दोनों जो डीएनए है वन और सेकेंड स्ट्रैंड है उसको आपस में जोड़ने से रोकता है। तो ये जो प्रक्रिया है उसके द्वारा ये वाई शेप का स्ट्रक्चर जो प्राप्त हो रहा है इसको कहते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। रेप्लिकेशन फोर्क का जो फॉर्मेशन है उसमें चार कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट है डीएनए हेलिकेज एंजाइम जो कि दोनों जो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं उनको अलग करने का काम करता है। प्राइमेज जो होता है वो इनिशिएट करता है आरएनए मॉलिक्यूल के सिंथेसिस को, जो कि डीएनए सिंथेसिस प्राइमिंग में ज़रूरी होते हैं। थर्ड होता है डीएनए पॉलीमरेज जो कि नए जो डॉटर स्ट्रैंड है उसके सिंथेसिस को इनिशिएट करता है, प्रारंभ करता है। एसएसबी जो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, उसका काम होता है डीएनए के निर्माण से पहले डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स हों उनको जोड़ने से रोकना और डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के रूप में बनाए रखना। ये फिर से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि रेप्लिकेशन फोर्क में मौजूद रहती हैं। डीएनए हेलिकेज,
प्राइमेज, SSB या सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स और हेलिकेज। तो ये सब मिल के एक फोर्क का निर्माण कर रही हैं, और ये रेप्लिकेशन फोर्क हो जैसे ही निर्मित होता है वैसे ही प्रारंभ हो जाता है DNA के रेप्लिकेशन का शुरू होना। प्राइमर, प्राइमर क्या होता है? RNA प्राइमर सिंथेसाइज जो होता है वो प्राइमेज के द्वारा होता है, प्राइमेज एंजाइम के द्वारा, और ये एक स्टार्टर सीक्वेंस की तरह काम करता है DNA पॉलीमरेज थर्ड के लिए। केवल एक RNA प्राइमर जो होता है वो लीडिंग स्ट्रैंड पे आवश्यक होता है, मतलब RNA प्राइमर एक बार जुड़ गया लीडिंग स्ट्रैंड पे तो वहाँ पर ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन जो लैगिंग स्ट्रैंड है, जहाँ पर कि DNA कंटिन्यूस फॉर्म नहीं होता है बल्कि फ्रेगमेंट्स या ओका जाकी फ्रेगमेंट्स के रूप में होता है, वहाँ पर हर सेगमेंट पर एक RNA प्राइमर की ज़रूरत होती है। RNA प्राइमर पर एक फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है जहाँ पर कि पहला न्यूक्लियोटाइड बाउंड होता है। फिर से ही हम बात कर रहे हैं कि जो रेप्लिकेशन फोर्क है उस रेप्लिकेशन फोर्क में और क्या क्या चीज़ होते हैं। जो पॉलीमरेज थर्ड होलो एंजाइम्स हैं वो टेम्पलेट DNA पर बाइंड हो जाते हैं एज ए पार्ट ऑफ मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। DNA पॉलीमरेज जो होता है वो DNA का सिंथेसाइज जो करता है वो 5-3 प्राइमर डायरेक्शन में करता है, क्योंकि जो DNA स्ट्रैंड है वो एंटी पैरेलल होते हैं, मतलब एक जो 5-3 प्राइमर डायरेक्शन में होगा तो सेकंड 3-5 प्राइमर डायरेक्शन में होगा। तो जो एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर है उसके कारण से जो पॉलीमरेज होता है वो एसिमेट्रिकली फंक्शन करता है। लीडिंग या फॉरवर्ड जो स्ट्रैंड होती है उस पर DNA सिंथेसाइज कंटिन्यूसली होता है, जबकि जो दूसरी जो स्ट्रैंड होती है जिसको लैगिंग या रिट्रोग्रेड स्ट्रैंड कहा जाता है वहाँ पर DNA शॉर्ट फ्रैगमेंट्स जो कि लगभग 1-5 बेस किलो बेस पेयर्स के रूप में होते हैं उसके द्वारा निर्मित होती है, और इन्हीं को ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहा जाता है। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जो कि अभी हमने बात करी। ये फर्स्ट ये था पेरेंटल DNA, ये निर्माण हुआ रेप्लिकेशन फोर्क का, और ये जैसे ही रेप्लिकेशन फोर्क बन गया है वहाँ पर 5-3 प्राइमर एंड पर जो बन रहा है वो कंटिन्यूस DNA का निर्माण हो रहा है, इसको कहा जाता है लीडिंग स्ट्रैंड, और इसके ऑपोजिट ये है रिट्रोग्रेड, और इस रिट्रोग्रेड में क्या हो रहा है कि ये छोटे छोटे सेगमेंट्स आपको देखे दिख रहे हैं, तो यहाँ पर छोटे छोटे सेगमेंट्स के रूप में DNA के रेप्लिकेशन हो रहा है, और ये जो DNA रेप्लिकेशन हो रहा है 1-4 इस स्ट्रैंड पे कहा जाता है जहाँ छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, उसको लैगिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। रेप्लिकेशन बबल्स, यूकैरियोट्स जो होते हैं उनमें DNA रेप्लिकेशन बहुत सारे साइट्स होते हैं रेप्लिकेशन के स्टार्ट होने के। जो DNA होता है क्योंकि वो बड़ा होता है इसलिए हर क्रोमोसोम में जो DNA है उसके जॉइंट DNA के रेप्लिकेशन के लिए बहुत सारे रेप्लिकेशन साइट्स होते हैं, और इस तरीके से रेप्लिकेशन बबल्स का निर्माण होता है। यहाँ पर भी सेकेंड ये पोजीशन है, थर्ड ये पोजीशन जहाँ पर DNA रेप्लिकेशन हो रहा है, और पूरी जो प्रक्रिया है उसके द्वारा 2 DNA मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। सेकेंड जो स्टेप होती है, रेप्लिकेशन फोर्क जैसे ही बन जाता है वैसे ही सेकेंड स्टेप जो होती है उसको कहा जाता है प्राइमर बाइंडिंग।
प्राइमर बाइंडिंग की बात करने से पहले हम बात करेंगे कि जो जो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है उसमें लीडिंग स्ट्रैंड पे जहाँ पर रेप्लिकेशन हो रहा है वो सबसे सरलतम तरीका होता है रेप्लिकेट करने का। जैसे ही एक बार डीएनए स्ट्रैंड अलग हुआ, एक शॉर्ट पीस ऑफ डीआरएनए प्राइमर वहाँ पर जुड़ जाता है, 3' एंड ऑफ दिस स्ट्रैंड, और यहाँ से रेप्लिकेशन शुरू हो जाता है। प्राइमर क्या होता है? रेप्लिकेशन जहाँ शुरू हो रहा है वहाँ के प्रारंभिक स्थल पर जाके जुड़ता है। प्राइमर्स